बढ़िया, फाइनल अपडेट बता देता हूँ जीके और इंग्लिश। जैसे मैंने बोला था ना, मोस्टली सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी हैं। इंग्लिश का थोड़ा सा और एक बार फाइनल रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ आपको, रिवीजन क्या करना चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। उससे पहले क्या है, ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ ना, ये 100% आपके पेपर में आएगी। ये कैपिटल करेंसी करी है ना, ये पेपर में आएगी। अब आप इतनी नहीं पढ़ सकते तो यार 1 से 2 नंबर आप अपने गंवा रहे हो। स्पेलिंग एरर की एक सीट दे दी है यहाँ पे, लगभग 100 है। इतना कर लो डेफिनेटली यहाँ से एक नंबर निकाल लोगे आप। ऊपर चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये तो बीएसएफ आरओआरएम का हो गया, और ये करंट अफेयर का जुगाड़ मैंने कर दिया है आज। मतलब अभी रात में थोड़ा सा मतलब टाइपिंग जो भी करना है वो मैं कर लूँगा, और ये कल मॉर्निंग पे या फिर कल शाम तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 28 वालों के लिए भी हो जाएगा, और तो फिर दिक्कत मत लो। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलता रहता है रात में, मैथ्स के पूरे फार्मूले। तो टेलीग्राम पे जो भी नहीं जुड़े तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा, ठीक है। मेरा बस एक ही कहना है यार कि फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। मतलब आपका कुछ भी नहीं जाता है, और एक दो लोगों से सब्सक्राइब भी करा सकते हो तो उसमें भी आपका कुछ ही नहीं जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर किसी से बोल देते हो कि भाई सब्सक्राइब कर लो, या अपने किसी के जानकार के फ़ोन से सब्सक्राइब कर देते हो, तो मतलब एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि कुछ ना चैनल ग्रो हो रहा है ज़्यादा बेहतर से, और ना ही कुछ नहीं। चलो यार, चलो टॉपिक पे बात करते हैं। देखो, नेवी पेपर के लिए फाइनल मैं आपको कुछ टॉपिक्स रिकमेंड करूँगा, जिनकी मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूँगा। हाँ, और पीडीएफ वगैरह वैसे खैर इनका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी बात, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप मेरी पीडीएफ से मत पढ़िएगा। अगर नोट्स नहीं बनाए, बिल्कुल भी जीरो हो, तो फिर आप पढ़िएगा, ठीक है। और वैसे भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ आपको, वो चीज़ें दूंगा जो स्कोरिंग होंगी। पहले तो मैं आपको केवल स्कोरिंग टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे पक्का क्वेश्चन आएंगे, मतलब आप 17-20 क्वेश्चन फिक्स आएंगे, उन टॉपिक्स को आप मत जाने दो। देखो, नंबर एक क्या होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव वाइज से 2 क्वेश्चन, और पंचुएशन के 2 क्वेश्चन। पैसेज, अब इस पेपर में आपको पैसेज भी देखने को मिलेगा, तो 4 नंबर यहां से हो गए, तो टोटल 4 और 6 10 नंबर पक्के हो गए। अब आप जिनको इंग्लिश में जो वीक है यार, एक क्लास पंचुएशन की देख लो कि कहाँ पे कॉमा लगता है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगता है, कौन सा अच्छा पहला अक्षर कैपिटल होता है, कौन सा अच्छा स्मॉल होता है, ख़त्म। 2 नंबर पक्के हो गए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको बस पता होना चाहिए कि SON सन का रूल पता होना चाहिए, कि जो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है, थर्ड पर्सन आपका उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। ये एटलीस्ट पता होना चाहिए आपको। ये पता होना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, समझे। खत्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही है, बस वर्ब का थोड़ा सा खेल और है कि भैया जो वर्ब होती है इज एम आर वाज वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, वाज वर्ब हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है वर्ब, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वाइज एक्टिव पैसिव सेम टू सेम यही होता है, बस इसमें भी इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, और क्या करना होता है कि वर्ब का खेल होता है। पंचुएशन हो गया, पैसेज हो गया, ये देख रहे हो भाई 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए इंग्लिश में। आगे बात करते हैं दूसरा, ये टॉपिक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इससे लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे, लगभग मिनिमल 2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी फिक्स टॉपिक आएंगे। अब मैं आपको कल मॉर्निंग में, अब आज की नाइट में नहीं, कल मॉर्निंग में करूंगा, क्योंकि फिर ज़्यादा कंटेंट हो जाए ना टेलीग्राम पे। तो आज की मॉर्निंग पे पिछली बार वाले जिसने कर रखे उनको रिवाइज करो, और लगभग 100 फिक्स प्रीपोजिशन फिर से शेयर करूंगा। वैसे मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूं, और जिन्होंने पहले तैयार किए हैं केवल उन्हीं को पढ़ो, बट जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा लगभग 100 फिक्स प्रीपोजिशन शेयर करूंगा। आप प्लीज़ एक बार देख लेना यार, क्योंकि मोस्टली फिक्स प्रीपोजिशन ही आपके पेपर में आते हैं, और फिक्स प्रीपोजिशन अगर आपने कर लिए तो डेफिनेटली यहाँ से भी 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो लगभग 12 नंबर का खेल यहाँ पे हो चुका। आगे 7 से 8 क्वेश्चन आपके वोकैब्स के आएंगे। अब आपने आज तक वोकैब्स का कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, और आपका पेपर इसी महीने मतलब अगस्त में, तो आप वी मत पढ़िए यार। अगर आपका पेपर बाद में है तो मैं कल आपको, जैसे मैंने मिसेस पेल्ट की शेयर करी है, कल मैं आपको एंटोनिम एंड साइनोनिम की कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि एंटोनिम एंड साइनोनिम नहीं होगा, मीनिंग होंगी, ठीक है, मीनिंग होंगी, तो वो चीज़ हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। एंटोनिम साइनोनिम हो गया, नेक्स्ट की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है। रहा आप अगर एंटोनिम साइनोनिम नहीं पढ़ना, तो आप ईडीएम पढ़ सकते हो, ईडीएम से एक पक्का क्वेश्चन मिलेगा, और ओडब्ल्यूएस पढ़ सकते हो, जिसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा।
लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, मिनिमल 6 से 7 क्वेश्चन आपके वोकैब्स के आएंगे। ये जो मैंने 18 क्वेश्चन बताया ना, ये मैं फिक्स टॉपिक आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। और 6 से 7 क्वेश्चन में आपको 2-3 आ जाएंगे, 2-3 में तुक्के मार दोगे, लक सही हुआ तो 1-2 उसमें भी सही हो जाएंगे, ठीक है ना भाई मेरे, ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको ग्रामर पोर्शन में जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, बेसिक आप स्किप कर सकते हो, अभी बेसिक पढ़ने का टाइम नहीं है। टेंस अगर रिवीजन नहीं किया तो टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है टेंस, ठीक है। इसके बिना आप ना एक्टिवाइज कर पाओगे, ना पैसिवाइज कर पाओगे, ना क्वेश्चन टैग कर पाओगे। पेपर में क्वेश्चन टैग के भी आने के चांस होते हैं, हो सकता है पंचुएशन एरर में आपका टेंस ही एरर दे सकता है। और टेंस का खेल भाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि अगर टेंस का फिलर जो आता है ना, 2 से 3 फिलर आएंगे, वो इलर में ही इसी से आएंगे। और टेंस में ही आप वो रूल पढ़ोगे यार, कंडीशनल वाले। खैर यहाँ पे कंडीशनल टॉपिक अलग है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि हैड जो कंडीशनल के मैंने आपको ग्रामर के टॉप 70 रूल्स कराए हैं ना, फ्री PDF दी है आपको उसकी, ठीक है। आपने अगर वो कर लिए तो आपको कंडीशनल मोस्टली आपके शिफ्ट में भाई कंडीशनल ही आएगा। 3 कंडीशनल के रूल हैं, PDF टेलीग्राम पे है, आप एक बार देख लेना यार, मतलब पक्का आएगा, बता रहा हूँ ना, 100% यार आएगा। ये लो, नेवी हमेशा पूछता है, उनका वही है, ठीक है। आगे चलो, टेंस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। क्वेश्चन टैग ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, जो आगे वर्ब दी होती है उसका बाद में ऑब्जेक्ट, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, ठीक है। जैसे ही हैज नॉट कम हियर, ही हैज नॉट कम हियर, बाद में क्वेश्चन टैग है। सर इधर देखो निगेटिव है ना, तो बस इधर केवल हैज ही आ जाएगा, ये बस बन गया क्वेश्चन टैग। ऐसे करके क्वेश्चन टैग आपको बनाना होता है, ठीक। क्वेश्चन टैग और कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपको बता ही दिया। अगर सिंपल टेंस है इधर तो दूसरा वाले में विल आ जाएगा, इधर आपका सेकंड फॉर्म है अगर वर्ब का तो इधर वुड आ जाएगा, अगर इधर हैड है, ठीक है, तो इधर वुड हैव आ जाएगा। बस तीनों, यही तीन रूल हैं, इन्हीं से आपके पेपर में क्वेश्चन इधर का आपको देखने को मिलेगा, या फिलर का इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे सेंटेंस एंड टाइप स्किप करो, वर्ब स्किप करो यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि वर्ब थोड़ा एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। आगे पार्टिसिपल स्किप कर सकते हो, अभी पार्टिसिपल पढ़ने का टाइम नहीं है। पैसिव वॉइस, नरेशन और वॉइस, नाउन, नाउन का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है, कि सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, क्योंकि कभी कभी सिंगल से पूछ लेता है डायरेक्ट कि सिप क्या है, वो तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे इन्फॉर्मेशन करके दे देता है, INFORMATIONS, इन्फॉर्मेशंस, TIONS, यस भी लगा देगा, जो सर यस गलत है, इन्फॉर्मेशन होता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इनिंग्स लिखा जाता है, जैसे INNINGS, इनिंग्स, सर इनिंग्स में यस ये गलत है क्या? नहीं गलत है, इनिंग्स का यस होता ही है, और ये भाई सिंगुलर होता है, तो नाउन टॉपिक आपको देखना है। ये 4 टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है, आप पार्टिसिपल को स्किप करेंगे, बाकी 3 टॉपिक आपको डेफिनेटली देख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन स्किप कर सकते हो, लेकिन एडजेक्टिव को मिस नहीं कर सकते। एडजेक्टिव में आपको पढ़ना है, वो भी अगर एडजेक्टिव में केवल एक चीज़ बोलूँ ना, तो डिग्री, तीनों डिग्री आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव क्या होती है, कंपेरेटिव क्या होती है, सुपरलेटिव क्या होती है। और आपके पास कुछ भी कंटेंट, कुछ भी सोर्स नहीं है तो आप यूट्यूब से आके देख लो, एक छोटी सी क्लास किसी की भी सर्च करो और देख लो। एडजेक्टिव हो गया, और प्रीपोजिशन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और कंजक्शन, बस इतना ही आएगा आपके पेपर में, ठीक है। इतने टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपके पेपर में 17-18 क्वेश्चन आराम से आप बना लोगे। वो कैप्स को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, वो कैप्स को हटा रहा हूँ, अब ये सोच रहे हो मॉडल, सुपर प्लस, स्पेलिंग्स, पैरालिज्म या फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब आपका इडियम वाले टॉपिक में मैंने जोड़ रखा है, वो 7-8 नंबर का वो कैप्स आएगा ना, उसी में कवर हो जाएगी। बाकी जो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आप लोगों के लिए ऐसे बोल्ड किया ना, ये टॉपिक्स मत मिस करना यार, ये टॉपिक मतलब आपको स्कोर बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जिनको देखो, अगर बात रही सबसे पहले डायरेक्ट, एक्टिव और पैसेज, ये क्वेश्चन आपको नहीं गंवाने। दूसरा इरर के लिए, इरर के क्वेश्चन जो 3 से 4 आएंगे, इनके लिए मैंने आपका जुगाड़ कर दिया 70 रूल्स, टॉप 70 रूल्स जिनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिए, तो वो चीज़ आपको देख लेनी है। दूसरी बात जी, ये हो गया ना, सब्जेक्ट एग्रीमेंट हो गया, पार्टिसिपल हो गया, उसके बाद आपका वोकैब्स, वोकैब्स में अगर आपका मतलब अगस्त में ही पेपर है और आपने जो वोकैब्स पढ़ी हैं उसी को रिवाइज करो, आपने फिर भी कहीं से पहले पढ़ी हैं, 500-1000 वर्ड आपके पास है, तो आपको वो पहले पता होना चाहिए, फिर आप नया देखना, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। बाकी कोई क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू। सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना। ये कुछ टॉपिक्स थे जिन पर आपको मतलब कमांड करना चाहिए, और डेफिनेटली आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।